आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, कल की रात मेरी पूरी जिंदगी की, मैं 25 साल का हो जाऊंगा इस साल, मेरी पूरी जिंदगी की सबसे ठंडी रात थी। सीरियसली बता रहा हूँ आपको। पहले एक ब्लैंकेट रजाई ले रखी थी, उसके साथ इन्होंने एक ब्लैंकेट और एक्स्ट्रा दिया था, उसके ऊपर वो ब्लैंकेट लिया, नहीं ठंड रुकी, फिर जैकेट डाली, फिर भी रात बहुत ठंड लगती थी भाई साहब, बहुत ठंडी रात थी। और अब दिन में वैसे ही हो गया, गर्मी हो गई, धूप आ गई, इस वजह से मैं फटाफट से गीज़र ऑन करा और मिक्सा करके पानी फटाफट से नहा लिया हूँ मैं। और अब चलते हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए, 9:30 बज रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, उसके बाद करेंगे सामने वाली नैनी लेक में बोटिंग, पूरा राउंड निकालेंगे मस्त से, शॉर्ट्स लूँगा मस्त, आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। पर उससे पहले करते हैं पेट पूजा। रात में भी ठंड की वजह से बस शॉर्मा खा के मैं तो चला गया था रूम में, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी। आज भी पैक होकर सोऊंगा रात में, पर फिलहाल भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लेट हो गया उठने में। और चलते हैं फटाफट से पहले जहाँ पर भी कुछ खाने को दिखता है खा लेता हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद ही अच्छे से बोटिंग कर पाएंगे, क्योंकि बोटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा राउंड लगाएंगे लेक का। और लेते हैं 480 रुपीज़ पूरे राउंड का, चाहे आप 2 बंदे जाओ 3 बंदे जाओ, 480 रुपीज़ लगेंगे एक बोट के, पर पर्सन नहीं होते यहाँ पर कोई भी चार्जेस। दिन में धूप निकल आई तो बढ़िया लग रहा है, और बोटिंग करने में भी बढ़िया लगेगा धूप में, मज़ा आ रहा है भाई धूप में तो वॉक करके। ब्रेकफास्ट हो गया भाई साहब अपना, मैंने लिया था चीज़ ब्रेड ऑमलेट, वो तो टेस्टी था, नॉर्मल था जैसे हमारे वहाँ मिलता है। पर अगर आप यहाँ आ रहे हो तो चाय वाय कुछ, कॉफ़ी वगैरह कुछ मत पीना। मैं आया हूँ जब से, मैं तो पी रहा हूँ चाय की जगह पे हॉट चॉकलेट, अभी भी हॉट चॉकलेट पे मज़ा आ जाता है, हॉट चॉकलेट पी के भाई, यहाँ की हॉट चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वाद है। हमारे वहाँ पर कुछ और तरह की मिलती है, इतनी टेस्टी नहीं लगती, यहाँ की बहुत स्वाद लगती है। अब चलते हैं फटाफट से बोटिंग करते हैं। ये टिकट है भाई, लेके जाएंगे हमें, चढ़ जाऊँ वहीं पर, ठीक है बीच बीच से ही जाऊँगा, ठीक है। बोट खतरा है, इस पर भी चढ़ना, आशु भाई के लिए हमने बोट। सब जैकेट वैकेट डाल के निकलनी है, क्योंकि जैकेट डालनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं चलाना है, पता नहीं कितने का चलाना है, 5,000 का चलाना है अगर जैकेट नहीं डालोगे तो। यश गौतम नाम है मेरा। तेज चलती है बोट, दूर से दिखने में लगता है स्लो चल रही है, पर तेज चलती है बोट, अंदर अंदर बैठ के पता लग रहा है तेज चलती है। तो पीक सीजन का टाइम होता है भाई, वो कौन सा होता है, मई जून में आते हैं। और वेदर कैसे रहता है गर्मियों में इधर, जैकेट डाल लेके आने की जरूरत पड़ती है, मतलब ले आए एक दो बंदा। कल रात में तो बहुत मुश्किल नींद आई है, मैं पहली बार आया हूँ पहाड़ों में, पर बहुत मुश्किल नींद आई है मुझे, बहुत ठंड थी रात में, बहुत ठंड था, ठीक था, पर फिर एक एक्स्ट्रा और लिया, फिर जाके नींद आई। लाए हम जैकेट, बहुत मस्त व्यू है भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म काम करना है। हाँ ये तो है भाई, जो एक बार कमा लेगा फिर उसके बाद कस्टमर दोबारा थोड़ी आएंगे, कोई 10 लोगों को बताएगा नहीं बंदे के पास, हाँ उसके बाद में, सही बात है। अब कोई मेरा और आने वाला होगा, मैं आपका नंबर दूंगा, भाई ने ठीक रेट लगाया भाई। अगर नैनीताल आ रहे हो, यहाँ पर बोटिंग नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मस्ट मतलब यहाँ पर तो आओ, इसके मज़े अलग हैं, व्यूज चेक करो आप।
ये कौन सा मंदिर है भाई? पाषाण देवी का मंदिर है। और इसका रास्ता है जो ऊपर से घूम के आना, अगर जाने तो। अगर आपको उधर जाना है ना, हाँ। तो आप क्या करना है कि नैना देवी टेंपल सामने है। हाँ जी। इसके पीछे से बैक साइड से रास्ता आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो सा नैना देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है भी। नैना देवी का ये मंदिर प्राचीन मंदिर है ना। गुरुद्वारा तो हाल ही में बना हुआ लग रहा है। ये गुरुद्वारा ही पुराना है। अच्छा पुराना। भाई बता रहे हैं कुल 222 बोट्स हैं यहाँ पर लेक में। अभी बैन लगा दिया और बोट्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि यहाँ पर भी भाई पीक सीजन में तो ट्रैफिक हो जाता होगा इधर भी। हाँ हाँ, रेट नहीं बता रहा मैं, पर आप आओगे तो भाई ठीक रेट लगाएंगे आपको। इधर भी आऊँगा पर पैदल आना पड़ेगा इसके लिए वहाँ से, फिर कल देखूँगा यहाँ पर आने को। माता पाषाण देवी जी का मंदिर, ये क्या भैया, ये भी आप पॉइंट बता रहे थे, कौन सा बता रहे थे? सनी टेंपल है। सनी टेंपल, ये बीच में गोलू टेंपल। अच्छा जी। इसके जस्ट बगल में महादेव का। ये सारे टेंपल जब मैं वहां से आऊंगा तब रास्ते में पड़ेंगे। हां, ये बैक साइड से रास्ता है ना, वॉक करते भाई। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये जाके सीधे बस स्टैंड पे मिलता है। अच्छा अच्छा। फोटोजेनिक प्लेस है, हर जगह फोटो की फोटो बहुत मस्त आ सकती है। इंस्टाग्राम पे देख सकते हो आप मेरे फोटो जाके, सारी बहुत स्पीड में चल रही है। वो कैसे मारते हैं ना, पुश करते हैं तो बहुत स्पीड में चल रही है। और धूप में करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको फोटो। भाई ने बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे दी और बहुत सारी फोटोज खींच दी। ऑलमोस्ट हो गया हमारा राउंड पूरा। हम वहाँ से गए थे, वहाँ पूछ पीछे वो नैना देवी माता के मंदिर से होते होते हो गए। इस बोटिंग करके तो मैं वापस आ चुका हूँ और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। पर आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी और कपल के साथ आ रहे हो, मतलब टोटल आप तीन लोग आ रहे हो या तीन दोस्त आ रहे हो या एक कपल है और आप एक दोस्त साथ में हो किसी भी तरह भी, तो आप तीन लोग हो फिर आपको दो बोट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बोट पे मैक्सिमम दो बंदे बैठ सकते हैं, तीसरा बैठाएंगे तो उसका चलाना है 5,000 रुपये। बहुत रूल है, रेगुलेशंस है। बीच में फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए आप जैकेट उतार सकते हो बस, वरना जैकेट भी नहीं उतार सकते अपनी। बाकी बस इंजॉय करो, मज़ा पूरा आता है भाई साहब, मज़ा पूरा आता है। बहुत इन्होंने मंदिर बता दिए, वो भी आपको दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग में, क्योंकि एक ही ब्लॉग में बड़ा कर दूंगा तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरे मंदिर दिखाऊंगा जो उन्होंने मुझे बताए हैं। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ नैना देवी और मनसा देवी मंदिर है, पर यहाँ पर बहुत मंदिर है, आपको दिखाऊंगा एक एक करके। फिलहाल तो थोड़ा घूमते हैं, अब धूप मस्त है। बोटिंग करते करते भैया ने एक और चीज़ बताई, जैसे जो प्लास्टिक बोट्स है ना, अगर आप चंडीगढ़ वाले हो आपको जानी पहचानी दिखेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये बोट सामने चंडीगढ़ में भी देखी है, ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना। और अब सच्चाई ये है कि ये बोट्स चंडीगढ़ सुखना लेक की यूज्ड बोट्स आती हैं, जो वहाँ पर बोट पुरानी हो जाती है, उसकी बोली लगती है, फिर रिपेयर करके उसको इस बोट यहाँ पर चलाया जाता है। बेसिकली बच्चे बच्चे ही ले आते हैं इस बोट में करने के लिए, बेसिकली तो वही लकड़ी वाली पे जाते हैं, इसमें मैं गया था। तो ये चंडीगढ़ से ही रीसेल होती है सुखना लेक की। आप एक टाइप की परिक्रमा भी कर सकते हो लेक की, यहाँ से जाओगे यहाँ तक ट्रैफिक अलाउड है, मंदिर के पीछे पीछे घूमोगे, बोट वाले भैया ने बताया वहाँ ट्रैफिक अलाउड नहीं है, पैदल लोग जाते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं और घूमते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जाएंगे भाई साहब। अभी तो धूप सेक के मज़ा आ रहा है। देखो एक बंदा सिर पे पाँच बड़े बड़े बैग्स लेके चढ़ रहा है भाई साहब, हिम्मत है। और हम लोग खाली चढ़ने में थक जाते हैं, ऐसा बड़ी चीज़ है। और अभी तो
अभी तो वो है, बहुत जगह है घूमने की, तो ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि किस मतलब एक दिन तो पूरा ही रगड़ के घूमना पड़ेगा। आज तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि कल ठंड लग गई, उस वजह से थोड़ा सा आज शरीर को रेस्ट दूंगा, कल अपना पूरा रगड़ दूंगा। पर आज जाऊंगा एक और इंटरेस्टिंग प्लेस में दोपहर को 2-3 बजे करीब, वो भी आपको मस्त लगेगी जगह, और उसका एक अलग व्लॉग, क्योंकि ये भी अच्छा खासा 8-10 मिनट का हो गया होगा। क्या फ़ायदा, आप लोगों को बड़े व्लॉग्स पसंद नहीं आते, मेरे घर वाले कहते थे पहले बड़े डाल व्लॉग्स, ज़्यादा चीज़ें दिखाया कर, पर आप लोगों को 6-7 मिनट से ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है, तो छोटा रखो तो बढ़िया रहता है। तो चलो नैनी लेक के साथ, इस व्यू के साथ ये नैनी लेक वाला व्लॉग को एंड कर देते हैं, जल्दी स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।